इतनी ज्यादा फोग है तो चीरता हुआ जा रहा है फोग है। तो भाई लोग अभी हमारा हो गया एक छोटा सा एक्सीडेंट भाई। अभी मैं जा रहा हूँ रॉबर्ट्स केव। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग मेरे सभी भाइयों को और उनकी बहनों को, और स्पेशली राम राम भाई सबको दिल से। तो भाई ये पहला व्लॉग है और पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा ऋषिकेश के मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। चैनल काफ़ी टाइम से इनएक्टिव था तो मैंने सोचा अगर व्लॉग मिल जाएगा कि अब तक रीच वगैरह बढ़ जाए। तो भाई अभी हमारा प्लान है कि सबसे पहले हम अभी बज रहे हैं भाई, देखो तुम 2 बजने वाले हैं। तो भाई हम 2:30 बजे तक यहाँ से निकलेंगे और प्लान ये है कि सबसे पहले जाएंगे देहरादून, उसके बाद प्लान है कि वहाँ से हम ऋषिकेश वगैरह जो भी आसपास की जगह हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। और तो भाई लोग देखो अभी तो बैठ गए हम गाड़ी में, अपना सारा सामान ताम झाम भाई ले लिया है, पीछे जैकेट वैकेट तुम्हें दिख नहीं रही होगी अभी क्योंकि अंधेरा है। बताए थे जैसे तुम्हें 2:30 बजे निकलेंगे, अब भाई को लेने जा रहा हूँ अपने दीपक भाई को, 2:25 हो गए, 5 मिनट उसके घर तक पहुंच जाऊंगा अपने घर से। भाई आ गए हैं दीपक भाई, और क्योंकि मैं और भाई जा रहे हैं, अब जो भी आगे की अपडेट होगी देखो भाई मुझे ज्यादा पता नहीं, भाई मैप में लोकेशन वगैरह लगाएंगे। भाई लोग अभी देखिए हमारे सामने जो ट्रक जा रहा है वो है HR-55 का। अब देखो मतलब गुड़गांव से ही आया ये ट्रक और इतनी फोग है, इतनी ज्यादा फोग है तो चीरता हुआ जा रहा है फोग है। भाई बताना। हाँ, हमारी हेल्प भी हो रही है काफी, जिसकी वजह से है ना अच्छे से हम देख पा रहे हैं ट्रक को फॉलो करते हुए। भाई नहीं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हम तो सोच रहे थे लगाएं। रास्ता देखा जाए तो कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस ये है जो घूमने वाली जगह है, सच बताऊं तो दोस्तों यार भाई चला रहा है अब गाड़ी और कसम से यार बहुत बहुत प्यारी जगह है जो यहाँ नेचर है ना भाई देहरादून में। CCS लग रहा है, बढ़िया जगह आ गए अब तो। वैसे उस देखो भाई टनल भी आ चुका है अब तो। हाँ तो भाई लोग अभी हमारा हो गया एक छोटा सा एक्सीडेंट, और वो ऐसा था कि हमने गाड़ी लगा दी बीच रोड पे, वैसे तो आराम से लगाई थी, ये नहीं था कि बिल्कुल ही जोर से लगाई हो गाड़ी जैसे कि मतलब एकदम से खड़े ब्रेक मार दियो, पीछे से 2 बाइक वाले उन्होंने ठोक दिया और गाड़ी में भाई देखो ये हुआ, ये स्क्रैच यहाँ। वैसे तो देखो बची गई गाड़ी, देखा जाए तो एक तरीके से ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, जैसे स्विफ्ट की बॉडी है ना उसके हिसाब से तो बची गई गाड़ी, क्यों भगवान कसम बताऊं तो। फिर अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती बात, अब जो बात है वो बताने वाली। वहाँ भाई अभी गया हुआ है तो वो लोकल हम पे चढ़ रहे और वहाँ सारे लोकल आ गए जितने भी उन इलाके के थे सारे आ गए भाई। अभी हम पहुँच चुके हैं वैसे तो देहरादून, और देखो हमें कौन मेहमान मिले। हेलो जी। हेलो लोग, अभी मैं और भाई आए हैं कहाँ पे, सिंह दरबार। अभी अंदर जाके रिव्यू देंगे आपको कि कैसा लगा खाना। तो गाइस जिधर अभी हम जा रहे हैं वहां पे काफी मूवीज और सॉन्ग की शूटिंग हुई है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तो आपको पता ही होगा सबसे फेमस मूवी जो है वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की, भाई वो मूवी थी सॉटी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसकी शूटिंग इस जगह हुई है। एक दो और मूवी है जिसकी शूटिंग इस जगह हुई है, और आपको याद होगा तेरी नार एक सॉन्ग था जिसमें अवनीत कौर थी, उसकी शूटिंग भी इसी जगह हुई है। भाई अभी मैं जा रहा हूँ रॉबर्ट्स केव, मैं और मतलब भाई जा रहे हैं, भाई तो अभी केक खा रहा है। देखो भाई मैंने एक चीज़ देखी, जितने भी यहाँ लोग हैं उत्तराखंड में जो मुझे बताना, एक तो पहले उत्तराखंड वाले लोग जवाब देना, फिर भाई तो जो उत्तराखंड गए हैं यहाँ पे आसपास देहरादून वगैरह
यार ये सारे बाइकर जो है टट्टी लेफ्ट से ओवरटेक क्यों करते हैं। गाइज मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो भी रोबर्स केव या गुची पहने जो उसे कहते हैं वहां जाएंगे ना, तो जब भी आप आर्मी वाले रास्ते से जो आओगे, जो स्मॉल रास्ता है, वहां से याद रखना मैप्स के अकॉर्डिंग मत जाना, आपको ठेके से लेफ्ट लेना है। आपको एक ठेका दिखेगा उससे लेफ्ट लेना है, सीधा मत चले जाना, नहीं तो यू टर्न करने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि बहुत पतली रोड है। और जो ये रास्ता यहाँ पे प्लीज संभाल के चलाना, बहुत ही ज्यादा नैरो रोड है। आ चुके हैं रोबर्स केव की जाने की जगह, ये है, ये गाड़ी की पार्किंग वगैरह है। और अब यहाँ ये सीन है, जाना है चप्पल में, चप्पल यहाँ पे रेंट पे भी ले सकते हो, 10-20 रुपए में रेंट पे मिल जाती है जब तक जा रहे हो रोबर्स केव में। पता नहीं 10-20 रुपए में कितने में, शायद 10-20 रुपए ही थी, मैंने तो पूछी थी। हाँ 10 रुपए के लिखा भी है, चप्पल का किराया 10 रुपए, खोने पर 100 रुपए, अगर लॉस्ट हो जाती तो 100 रुपए। बाकी अभी हम जा रहे हैं मैं और मेरा भाई, और बस यही सीन है। जाके अपडेट देखो, पानी वानी है यहाँ बिल्कुल ही, आपको दिखा देते हैं, देखो पूरा पानी वानी है भाई साहब, गजब सीन है भाई तेरी कसम। रोबर के फॉर्मली नोन एज गुच्ची पानी इज अ रिवर के फॉर्मेशन। चप्पल आ जाओ। ओए हॉन्टेड हाउस, मैं पता ये कहने वाला था कि हॉन्टेड हाउस मेरा मन कर रहा जाने का, पर हॉन्टेड हाउस ही मिल गया। ये है गुच्ची पानी की एंट्री। गाइज यही वही हाइड आउट है जो अंग्रेज़ों ने लड़ाई के टाइम पे यूज़ किया था छुपने के लिए और वार करने के लिए, क्योंकि है तो साले बुजदिल ही। तो भाई देखो अभी अपन लोग आए हैं, रूम हमने कर लिया है बुक। असल में हमें एक होटल रूम मिल रहा था, डीलक्स रूम मिल रहा था, उसमें इसके जस्ट सामने वाला, मैं सामने वाले का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसमें मैं अभी रुका हूँ उसका नाम मैं आपको जरूर बता दूंगा, दिखा भी दूंगा। थोड़ी और कर लो, बैक कर लो। तो भाई अब ये सीन ही है कि रूम अच्छा था उसका, उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि 2000 में पर नाइट का मिल रहा था, मतलब डीलक्स वाली फीलिंग थी। स्मोकिंग रूम भी था, स्मोकिंग रूम तो खैर ये भी है, लेकिन वहाँ मतलब काफ़ी गाड़ियाँ लगी थी। तो बस चलता फिरता है, होटल है, ठीक ठाक है, खाना वाना नॉन वेज वेज सब है, 1000 रुपये में मिल रहा है भाई, 1000-1500 कितने में मिल रहा है, हम तो 1000 में करवा ही लेंगे किसी न किसी तरह। हरियाणा के हैं जो हैं, हरियाणा है प्रधान, करवा लेंगे किसी तरह। तो भाई अभी ये लास्ट है क्लिप, उसके बाद डे रैप अप करते हैं। तो जिस अभी होटल में हम रुके हैं वहाँ के नाइट स्टेइंग चार्जेस है 1000 रुपीज़ पर हेड, और रूम छोटा सा मिल रहा है जिसमें आराम से रह सकते हैं। बाहर का व्यू देखिए कुछ ऐसा है, मतलब बिल्कुल ऑन रोड प्रॉपर्टी है, पता नहीं आपको दिखाया नहीं। बाकी हमने डिनर कर लिया, चिकन खाया था अभी। बस भाई अब चलते हैं, मैं व्लॉग आज अपलोड कर दूंगा फ्राइडे को, बाकी कल के व्लॉग कल।